दी। अरे पूजा तुम? हाय। हाय, आओ अंदर। हाय पूजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ इस वक्त अचानक? बात ही कुछ ऐसी थी, तुम इस थर्सडे को क्लब क्यों नहीं आई? सब लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। हाँ एक्चुअली फ्राइडे को एक जरूरी मीटिंग थी ना, इसलिए प्लान कैंसिल करना पड़ा। वैसे अक्षय भी उस दिन क्लब नहीं आया था, अजीब इत्तेफाक है ना। वैसे उस इत्तेफाक का मुझे बहुत फायदा हुआ। वो कैसे? उस दिन पहली बार मैं स्क्वैश का गेम जीत गई। हर बार तुम जो जीतती हो। हाँ अच्छा लगा सुनकर, वैसे भी बार बार जीतकर बोर हो चुकी हूँ। और बताओ मोनिका, क्या चल रहा है आजकल? पूजा एक्चुअली मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली में, तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीक में कर ले, क्लब में मिल लेते हैं। अच्छा कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ एक्चुअली एक जरूरी मीटिंग है, और लेट हो जाती हूँ तो क्लाइंट गुस्सा हो जाता है, इसलिए तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ मैं समझ रही हूँ। ये मीटिंग भी तुम्हारी थर्सडे की तरह इम्पोर्टेंट है ना मोनिका? हाँ थर्सडे, हाँ वो तो जरूरी मीटिंग है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है जल्दी, तो तुम समझ रही हो ना मुझे देर हो रही है। देखो मैं ज़्यादा बात को घुमाऊंगी नहीं, सिंपल सी बात है, आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्या सॉर्ट आउट? मैं कुछ समझी नहीं। एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, हफ्ते में 2 दिन तुम उसे रख लो और बाकी दिन हमारे पास रह लेगा। घर पे भी तो उसको होना चाहिए ना। किसको मैं रख लूँ? क्या अरेंजमेंट? अक्षय को। तुम्हारा हस्बैंड अक्षय? सब कुछ तो है, यहाँ भी रह लेगा, खुश रहेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ 2 दिन रहेगा तो मन भी लग जाएगा उसका। अक्षय को मैं क्यों रखूंगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? लगता है मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ना थोड़ा आराम कर लो। देखो फालतू में एक दूसरे का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों मैच्योर तरीके से सोचेंगे तो ये सब जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ मुझे पता है एक्साइटमेंट थोड़ा तुम्हारा कम हो जाएगा, पर एक रूटीन बन जाएगा, समझ रही हो ना तुम? पर मैं देखो पर वर कुछ नहीं, हमारा रूटीन बहुत सिंपल है। ट्यूसडे और थर्सडे बच्चों का ट्यूशन चलता है, तो अक्षय यहाँ पे रह सकता है। बोलो डन करती हो? एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है, ट्यूसडे को मेरी कुकिंग क्लास होती है और थर्सडे को मेरा पता नहीं। डांस क्लास तो नहीं है ना? हाँ मैं तो बोली गई थी डांस क्लास है, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। चलो ठीक है, मैं बच्चों को किसी और दिन भेज दूंगी ट्यूशन सर के पास, मंडे या फ्राइडे। ये तो चलेगा ना तुमको? नहीं नहीं एक्चुअली मेरा मंडे और ट्यूसडे पूरा वीक बिजी रहता है, सिर्फ एक ही दिन बचता है संडे का। संडे कैसे? संडे तो बच्चों का दिन है ना। चलो ठीक है, एक दिन अक्षय घर नहीं रहेगा तो
चलेगा, मुझे भी अलोन टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा अपने। ले लो तुम उसको संडे के लिए, ले लो अभी खुश। अरे मैंने बोला ना पूरा वीक बिजी हूँ। पर तुमने बोला ना अभी संडे फ्री हो। संडे फ्री नहीं हूँ, संडे को तो अर्जुन के साथ। अर्जुन तुम्हारा बॉस राइट, वही जिसका बैंड स्टैंड में बहुत बड़ा बंगला है। हा? कितना बर्थ है उसका? 150 करोड़। हैंडसम भी बहुत है। तो ऐसा करना ना, जब अर्जुन से मिलने जाना हो तो अक्षय को घर भेज देना। देखो पूजा ऐसा नहीं हो सकता, अर्जुन को मिलना बहुत जरूरी है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अर्जुन हाँ, डायरेक्ट बॉस के साथ हाँ, बिग बॉस, यस बॉस हाँ, फिर शर्म नहीं आएगा तुमको? अक्सर सुना था कि मर्द प्यार के मामले में बेवकूफ होता है, और आज देख भी लिया। तुझे क्या लगा था मुझे तेरे सफेद के बारे में पता नहीं है? मुझे सब पता था, लेकिन सीधा तुझे बोलने और घर से निकालने में मजा नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुझे हर जगह से अकेला कर दूं। अब तू ना घर का रहेगा ना घाट का। अर्जुन, अक्षय और मोनिका, अंदर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चला बनता है, कभी बीवी कभी बच्चे कभी मैं, क्या समझता अपने आपको? साली ये तो तेरी वजह से मैं कहीं का नहीं था, ऊपर से बकवास कर रही है फालतू। यही डिजर्व करता है। मेरी वजह से बहुत सयाना बनता है ना अपने आप को तू। अखरोट ज्यादा पसंद है कि